बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। समझ ही नहीं आ रहा कि आज हफ्ते के दिन व्लॉग बनाऊं, कैसे शुरू कहां से करूं, क्योंकि हर कमरे में घर के कार्टून्स पड़े हुए हैं और सारे कमरे, सारा घर हो चुका है खाली, एक बद हाली में जा चुका है, क्योंकि हम होने वाले हैं शिफ्ट 1 तारीख को और अब रह चुके हैं तकरीबन 7 दिन। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हूँ तो मैंने पैकिंग कुछ पहले से ही कुछ जल्दी ही करके रख ली थी। लोगों ने मुझे बड़ा बोला कि मूवर्स एंड पैकर्स या कोई कंपनी हायर कर लो, तो मैंने कहा मैं क्यों अपने 35,000-40,000 किसी को दूँ, मैं खुद ही कर लूँगी मेहनत। और मेहनत फिर मैंने इतनी की कि कमर में मेरी पड़ गई चुक, और कमर की चुक मेरी जा नहीं रही है, थोड़ा सा पार्ट सही हुआ है, आज मालिश करवाई है, अब ऊपर वाले पार्ट में आ गई है, पता नहीं पूरे मसल्स स्पैज़म हुआ हुआ है। अच्छा, रात को बैठ के मैंने देखी वीलॉग्स, मुझे लोगों ने बताया कि भाई कुछ वीलॉगर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अब आप इस तरफ आ रही हैं तो आप जाहिर है आपको देखना चाहिए कि लोग क्या करें। तो जब मैंने वो वीलॉग्स देखी तो मैंने कहा कि मेरा तो वीलॉग कहीं नहीं जाने वाला, मेरा तो यूट्यूब चैनल चलने वाला ही नहीं है, मुझे तो बंद कर देना चाहिए, मुझे तो वीलॉग्स बनानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि पूरी की पूरी फैमिलीज, इतनी सारी इतने सारे लोग जो हैं वो वीलॉग्स में शामिल होते हैं और बकायदा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा होता है वीलॉग को वायरल करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपनी तरफ से माशरे में फैलाना नहीं चाहती। और जब मैंने पहले दिन ये वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे लगाई थी तो मैंने पहले दिन से आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से हमेशा ज़िंदगी के हर जाविये में कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी की भी ज़िंदगी में छोटी सी भी तब्दीली या चेंज अच्छी आ जाती है तो मैं उसको जारी रखूंगी और मैं अपना कंटेंट चेंज नहीं करूंगी। आप लोग मुझे बताएं कि मुझे अपना कंटेंट चेंज करना चाहिए या नहीं। और अब दिन शुरू करते हैं। अब हम जा रहे हैं सारा दिन गुजारने के बाद, खाना शाना खाने के बाद नीचे वॉक पे, और ज़ियारा उठा के रखती है मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा ने आज क्या बोला था ज़ियारा? आली, ज़ियारा आपने बहुत ऑकवर्ड पिंस लगाई हुई हैं, थोड़ा ऊपर तो करनी चाहिए थी ना पिंस। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, अली, 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 ज़ियारा ने, अली ने कैसे बोला था मुस्तफ़ा? आई, लेट्स गो। ज़ियारा जाओ झूला झूलो, जा। बच्चों को मैंने खेलने के लिए उधर भेज दिया है पार्क में, और मुस्तफ़ा को दिया है सुहेल को आज, ज़रा कि आप इसको पकड़ के रखें, मुझे दिल चाह रहा है कि मैं वॉक करूं। और ये बहुत बड़े से हमारे फ्लैट्स हैं, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जहां पे मैं अभी रह रही हूं, मगर ज़ाहिर है मुझे यहां से भी जाना है, तो इसमें मैं वॉक करती हूँ चारों तरफ, 3-4 ज़रा मैं चक्कर लगाऊँगी, सो देन आई विल फील गुड। जिस्म के हर हिस्से में खून की रवानी होगी, दिमाग चलेगा, मज़ा आएगा ज़रा ज़िंदगी में। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मस्जिद का एरिया है, ये हमारे अपार्टमेंट्स की मस्जिद है। अकेले वॉक करने में मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं आ गई हूँ, अब अपार्टमेंट्स के जिम के अंदर घुस रही हूँ। सुहेल यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज, और बच्चों का कैसे ख्याल रख रहे हैं आप सुहेल, ये क्या तरीका है सुहेल? जिम मैंने आना था तो बच्चों को भी साथ लेके आया। मैं भी जिम कर रही हूँ फिर इधर ही आपके साथ, और वो लगाने लगी हूँ मैं आपका, एक दिल है एक जान है, ठीक है? और सबको कह रही हूँ कि सब सब्सक्राइब करें फिर आपका चैनल, सही है? सब्सक्राइब, शेयर, सुहेल हैदर म्यूजिक लगा रही हूँ। नेक्स्ट शॉट में गाना लग रहा है और सबने बताना है कि कैसा लगा, ठीक है? मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा, दोनों तुझे
बात कर रहा हूँ अब, इतनी इंग्लिश चीज़ें नहीं होती मुझसे, आई एम वेरी देसी। क्या राव? हाँ अच्छा, 130 LPs कितने होते हैं? 130 LP कितने होते हैं? खुदा के लिए मुझे पतला कर दो, ऐसा कर दो मुझे, ऐसा हसन जैसा। शाम की चाय हो गई है रेडी और अब मैं और सुहेल बैठ के चाय बिस्किट खाएंगे। इस बेल की आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी, घर पे मेहमान आ गए थे और उसके बाद 12 बज रहे हैं अभी और मेहमान गए हैं। सॉरी आज की व्लॉग एब्रप्टली एंड हो गई, कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत ज़ोर की नींद आ गई।